शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अरे गोली बिली मत चलाओ। तोला, अगर गोली से सांड बेकाबू हो गया तो उसे बिरजू के सिवा मत छेड़। तो ये बात है, अब देखता हूं कि बिरजू बाहर कैसे नहीं आता है। बिरजू, अरे ये तो बिरजू का चहिता है, इसके लिए बिरजू क्या, उसकी लाठी काफी है। तो ये बिरजू का चहिता है। मुझे गलत फहमी हो गई थी कि बिरजू इस गांव का मुखिया बनना चाहता है। अगर मैंने उसकी दर्दनाक कहानी पहले सुन ली होती तो बिरजू की बजाय मैं तेरा कत्ल कर देता। हाँ, मैं तेरा कत्ल कर देता हरामजादे। तुम जैसे भ्रष्ट लोगों की वजह से इस देश की भोली भाली जनता का विश्वास कानून से उठ गया है। बिरजू को इंसाफ दिलाने के लिए अगर मुझे तुम्हारी जान भी लेनी पड़े तब भी मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। बेवकूफ लड़की, अगर तू मुझे मारेगी तो जिस कानून की तू पैरवी कर रही है वही कानून तुझे फांसी के तख्ते पर लटका देगा। अगर मेरी जान बिरजू के किसी काम आ गई तो मैं समझूंगी कि मैं सुहागन हो गई। अब मैं सबसे पहले तेरे को शूट करूंगा। मारने पीटने से कुछ हासिल नहीं होगा इंस्पेक्टर। इस गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि बिरजू भैया कहां छुपे हैं, लेकिन तुम्हें कोई बताएगा नहीं। तो बाप भी बताएगा। मत मारिए मेरे पति को। तो भी नहीं बताएगी कि बिरजू कहां है? को लगाम दे इंस्पेक्टर, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। क्यों बे, बड़ी मोहब्बत है इससे, साला लगता है क्या तेरा? ये मेरा साला नहीं लगता। रिश्ते में मैं इसका साला लगता हूं। ये मेरी बहन का सुहाग है, इसकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। तो फिर तेरी बहन की इज्जत की रक्षा करना भी तेरा फर्ज है। तूने मेरी बहन को हाथ लगा, मैं तुझे जिंदा नहीं करूंगा। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। सर,
है, वो गांव में ही एक घर में छुपा हुआ है। बिरजू भैया, पुलिस को इस घर का पता लग चुका है और पुलिस इधर आ रही है। नहीं 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 बिरजू बेटा नहीं, तुम यहां से चले जाओ, लक्ष्मी की जान को खतरा हो सकता है, जा बेटा जाओ। गोटियां खत्म हो गई। हाँ। अंदर से अंडे लेकर आऊं? अरे अंडे फूट जाएंगे। अच्छा? चल चल चल। बिरजू को पकड़ने आए हो? देखो मिर्ची पाउडर। ये जंगली कुत्तों की तरह कहां भाग रहे हो? साहब, गांव के एक आदमी को रात के 12 बजे सब नंगे दिखते हैं। बिरजू मिला? नहीं सर, गांव वालों ने हमारी आंखों में मिर्ची फेंक कर बिरजू को वहां से भगा दिया। बिरजू भाग गया? बिरजू भाग गया? और तुम लोग अपनी मनुष्य सूचे लेकर मेरे सामने आ रहे हो? गांव वालों की तो ऐसी कम तैसी है, एक भी आदमी मुझे इस गांव में नहीं चाहिए। मार मार कर हराम जादों को चौपाल में जमा कर दो। जाओ। हवलदार 906 रिपोर्टिंग सर। हाँ, राजू को गिरफ्तार करने के बजाय इंस्पेक्टर सूर्यदेव सिंह अपनी जाती दुश्मनी निकालने के लिए उसे नकली एनकाउंटर में मार देना चाहता है। बट दिस इज नॉट माई ऑर्डर। मेरा आदेश यह है कि तुम उसे रोको। कैसे रोके कमिश्नर साहब? एक तो वो हमारा अफसर है, दूसरे उसके सर पर खून सवार है। गांव वाले उसे रोकते हैं तो वो उन पर भी अत्याचार करता है। तो मैं वहां पहुंच रहा हूं, लेकिन सुनो, मेरे वहां पहुंचने से पहले तुम लोग उसे गिरफ्तार कर लो, ये मेरा हुक्म है। ओके सर, ओवर। भगवान, अम्मा लगता है इसकी प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। जिंदा है तो बिरजू का पता आसानी से चल जाएगा। इसे इसे बच्चा होने वाला है, इसे छोड़ दे बेटा, इसे छोड़ दे। इसे छोड़ दो? छोड़ दो? हाँ। कैसे छोड़ दो? अपने होने वाले बच्चे की माँ को कैसे छोड़ दो? हाँ।
नहीं छोड़ सकता हूँ। तोला, अगर गुली से सांड बेकाबू हो गया तो उसे बिरजू के सिवा तो ये बात है। अब देखता हूं कि बिरजू बाहर कैसे नहीं आता है। बिरजू कहाँ है बिरजू? अरे ये तो बिरजू का चहिता है, इसके लिए बिरजू क्या, उसकी लाठी ही काफी है। ओह, तो ये बिरजू का चहिता है। बिरजू का चहिता है ये, बिरजू का चहिता है ये, बिरजू का चहिता है। और कौन है बिरजू का चहिता? मैं हूँ उसका चहिता। मैं हूँ और मेरा ये भाई है। हम सब हैं। हम सब हैं। बिरजू भाग। लोगों को जानबूझकर इधर लाया ताकि बिरजू उस इंस्पेक्टर से अपना बदला ले सके। थोड़ी देर बेटी। Thank you.
देर बेटा, अब थोड़ी देर, थोड़ी देर बेटा, थोड़ी देर। लक्ष्मी, लक्ष्मी। क्या हुआ लक्ष्मी को? तुमने कुछ बोलते क्यों नहीं? ये देखो, ये देखो, ये देखो, लक्ष्मी, लक्ष्मी, ये क्या हो गया? लक्ष्मी, लक्ष्मी अंतिम संस्कार तो करने दो। क्या करने तुम बुढ़िया? इसे इसे अपनी बहन का अंतिम संस्कार तो करने दो बेटा, मैं हाथ छोड़ती हूँ। करने देता हूँ उसको अपनी बहन का अंतिम संस्कार, लेकिन उसके बाद इसकी चिता जलेगी और मैं करूंगा अंतिम संस्कार। ना? अबे जल्दी कर, तेरी बहन का अंतिम संस्कार है, उसकी शादी नहीं। मिस्टर साहब, मैं अपनी बड़ी बेटी का कन्यादान तो नहीं कर सका, चाहता तो अपनी छोटी बेटी का कन्यादान अपने हाथों करूं, इसलिए हमारे बिरजू को कानून की हथकड़ी से
आजाद करके वापस गांव भेज दीजिएगा। बेटी, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब तुम दोनों को वो हथकड़ी पहनाई जाए जिसका दुख नहीं खुशी होती है।